देहरिया सूनी भई आंगन भयो विदेश ले घर बाबुल आपनो मैं तो चली विराने देश। बेटी जब ससुराल जाती है तो एक बात बता रहा हूं, बेटी को रोना नहीं चाहिए, वो दिन खुशी वाला होता है। लेकिन क्यों रोती हैं आजकल बेटियां ससुराल जाती हैं? परिवार छूट रहा होता है, माता पिता छूटते हैं, गांव की गलियां छूटती हैं, सभी छूटते हैं। बैठ जाएं हमारे भैया यादव जी। ध्यान रखना, बेटी जब ससुराल जा रही होती है तो इसलिए रोती है। वैसे ही रोना हमारे ग्रंथों में नहीं चला है, नहीं कहीं दिया है। ये रोना जब से चला है, जब हमारे देश में मुगल राज कर रहे थे, मुसलमानों का राज था, तो हमारी बहन बेटियों की जब विदा होती थी, क्योंकि हम बोल नहीं पाते थे इतना, और विदा होकर जब जाती थी तो वो राक्षस लोग जो थे ना, हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खेला करते थे, इसलिए बेटी रोती थी। लेकिन वही परंपरा चल रही है, रोना नहीं चाहिए, खुशी का दिन होता है। लेकिन यहां विद्वान कहते हैं बेटी जब ससुराल जाती है तो इसलिए रोती है, मेरे मां बाप सभी छूट रहे हैं। जिस मां बाप की बेटी ससुराल जाती है, अच्छी शिक्षा देते हैं, बेटा तेरे हाथ में हमारी इज्जत है, अपने माता पिता को आज भूल जाना, तेरे माता पिता वो तेरे सास ससुर होंगे। ये सच्चे में माता पिताओं की पहचान होती है, अपनी बेटी को शिक्षा देते हैं। एक बात और बता रहा हूं, जिस बेटी के माता पिता होते हैं वो विदा करते हैं, बेटी हंसी खुशी के साथ में जाती है। एक बात मुझे याद आ गई, किसी पितुर बाप की बेटी की विदा हो रही हो, पितुर जानते हो किसे कहते हैं, जिसकी पत्नी बच्ची को जन्म दे के खत्म हो गई हो, और वो बेटी ससुराल जा रही हो, बहुत रोती है। आज मेरी मां होती तो मुझे धूमधाम से विदा करती, घर में चारों तरफ देखती है, सब हेतु रिश्तेदार होते हैं, परिवार वाले होते हैं, कहीं मां नहीं दिखाई देती है, मैंने कभी अपनी मां को देखा नहीं, वो कैसी थी, मैंने अपनी मां का प्यार नहीं पाया। तो कहती है, मां आज तेरी बेटी जा रही है, क्या तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगी? एक बार मां तू पत्थर की हो गई है, एक बार बोल। बहुत रोती है, विदुर बाप खड़ा खड़ा रो रहा होता है, कहता है, बेटी मैंने तुझे बड़े दुखों से पाला, आज तू जा रही है, ये घर खाने के लिए दौड़ेगा, भक्तों जब बेटी को विदा करता है, गाड़ी में बिठालता है वो पितुर बाप, बहुत रोता है। जब तक गाड़ी में बेटी बैठती नहीं है तब तक उसे लगता है कि मेरी बेटी घर में है, और जब गाड़ी में बैठ जाती है आंखों से ओझल होती है। साथियों ये उसी बाप की बात नहीं है, किसी भी बाप की बेटी जा रही हो पत्थर दिल भी रोने लगता है। आज समाज में तुमने देखा होगा बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, एक नारा चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे तुम अल्ट्रासाउंड करा के बेटियों का कत्ल घर में ही करा देते हो, कहां तुम्हारा ये नारा है? एक बेटी ने अपनी मां से कहा,
तू मेरे साथ में ऐसा कर रही है, यही व्यवहार तेरी माँ ने तेरे साथ में किया होता, तेरे दिल पे क्या बीत रही होती। अच्छा एक बात कहूं, बेटियां नहीं होंगी तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा। कहते हैं हम दो हमारा हमारे दो, एक गलत बात है। अब तो वो भी नारा खत्म है, अब ये कहते हैं हम दो हमारा एक। अरे जब तुम्हारा एक बेटा ही होगा, बेटियां नहीं होंगी तो शादियां पत्थरों से करोगे क्या? क्यों यादव जी बात सही है कि ना है? ये गलत बात है। ये संसार में अगर आपने शादी की है तो भगवान से ही प्रार्थना करो, प्रभु हम सृष्टि के ऋणी ना रहे, कर्जदार ना रहे, भगवान हमें भी एक बेटी देना, हम भी अपनी बेटी की शादी किसी के लड़के के साथ में जरूर करेंगे। तो आप कर्जदार नहीं रहोगे सृष्टि के। आज बेटी ना मां के उदर में सुरक्षित है, ना ससुराल में सुरक्षित है, ना गली में जा रही है तो सुरक्षित है। कथा के रसिक बंधु हो, संसार में ऐसा ऐसा दृश्य सामने आता है, कोई अखबार उठा के देख लो, कोई ना कोई नई सूचना मिलती है। आज धन के पीछे उस गर्भ में बेटी को मार दिया, उसके साथ में ऐसा कर दिया, एक बेटी को जला दिया, और बेटी को जला के मार दिया। गांव वाले गए, बेटी की डेड बॉडी लेके आए, जला रहे थे, एकदम आवाज आई, खुशबू बेटा। और बेटी कहती है बाप रो रहा था, अंदर से आवाज आती है बाबूजी अब मत जलाओ, एक बार जल चुकी हूं, जलने में बहुत कष्ट होता है। तो हमारी बहन बेटियों के लिए धन के पीछे जला दिया जाता है। रेप तक बहुत रोए हैं, क्योंकि बेटी एक युग नहीं, दो नहीं, तीसरे युग में शादी हुई है इसकी, और ससुराल के लिए जब चली है तो रेप तक महाराज अपनी बेटी को विदा करते हैं। किस तरह से विदा हो रही है, क्या बोले ये रेप तक महाराज? अच्छा, के बाबुल का ये कर बिटिया और कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बेना कुछ दिन का ठिकाना है। Should be